नमस्कार दोस्तों, लीजिए हाजिर हूँ मैं फिर से एक पुरानी और शानदार कहानी के साथ, जो है गुरु शिष्य परंपरा की कहानी। कहानी का शीर्षक है आरुणी की गुरु भक्ति। हजारों वर्ष पहले भारत में आज ही की तरह स्कूल नहीं थे। लड़के गुरुओं के पास आश्रमों में रहकर शिक्षा प्राप्त करते थे। आश्रम वनों में होते थे और ऋषि मुनि शिष्यों को विद्या देते थे। ऐसा ही एक आश्रम आयोध्या ऋषि का था। इसके आसपास हरा भरा वन था। इस वन में पशु निर्भय होकर विचरण करते थे। यह आश्रम शिक्षा दीक्षा के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। विद्यार्थी यहाँ रहकर विद्या प्राप्त करते थे। वे गुरुजी के घर का काम भी करते थे, जैसे लकड़ी लाना, फल फूल लाना, पानी लाना, ये सब काम भी उन्हें करना पड़ता था। अयोध्या के पास धान का एक बहुत बड़ा खेत था। इसी की उपज से आश्रम का काम चलता था। विद्यार्थी बारी बारी से खेत का काम करते थे। वे धान बोने, पौधे रोपने, निंदाई करने आदि में लगन से जुट जाते थे। आश्रम में विद्या के साथ साथ समाज उपयोगी काम भी सिखाए जाते थे। महर्षि अपने शिष्यों से पिता के समान स्नेह करते थे। सभी गुरुजी की सेवा हृदय से करते थे। इन्हीं शिष्यों में एक था आरुणी। एक दिन खेत पर काम करने की उसकी बारी थी। उस दिन वर्षा हो रही थी। गुरुजी ने आरुणी से कहा, वत्स, जाओ जाकर देखो कि पानी खेत की मेड़ तोड़ ना दे। आरुणी खेत पर पहुंचा। संध्या होने ही वाली थी। आरुणी ने देखा कि एक जगह पर खेत की मेड़ में दरार पड़ गई है। उसमें से पानी रिस रहा है। उसने दरार में कुछ मिट्टी डाली, पर वह बह गया। उसने कंकड़ पत्थर डाले, पर वह न रुका। दरार चौड़ी होने लगी। आरुणी की चिंता बढ़ गई। उन्होंने सोचा कि कहीं मेड़ फूट न जाए और सब पानी खेत से बह न जाए। वह तुरंत खेत की ओर दौड़ा। कोई उपाय न देखकर वह मेड़ के सहारे लेट गया। खेत में से पानी निकलना बंद हो गया। आरुणी भीग तो चुका ही था, ठंडे पानी में पड़े पड़े ठंड के मारे उसके दांत भी किटकिटाने लगे थे। परंतु वह टस के मस न हुआ। रात हो गई, वर्षा थम गई। आश्रम में चिंता होने लगी कि आरुणी अभी तक क्यों नहीं आया। गुरुजी व्याकुल हो उठे। खेत आश्रम से कुछ दूर पर ही था। अंधेरा फैलने लगा था। गुरुजी ने चार पांच शिष्य बुलाए और निकल पड़े आरुणी की खोज को। शिष्यों के हाथ में मसाले थी। इससे रास्ता देखने में कठिनाई नहीं हुई। कीचड़ भरा मार्ग पार करते हुए अयोध्या अपने खेत पर पहुंचे। खेत के चारों ओर घटा टोप अंधेरा था। खेत में पानी भरा हुआ था, परंतु आरुणी कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। उनको भी चिंता हुई। वे जोर से चिल्लाए, बेटा आरुणी, बेटा आरुणी। आरुणी ठंड के मारे कांप रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि अब वह ठंड के मारे बेहोश होने वाला है। इतने में कुछ आवाज़ें उसको सुनाई दी, पर वह कुछ समझ ना सका। इतने में गुरुजी ने फिर पुकारा, बेटा आरुणी, बेटा आरुणी। आरुणी ने गुरुजी की आवाज़ पहचान ली। वह कठिनाई से बोल सका, गुरुजी, मैं यहाँ हूँ। खेत की मेड़ के किनारे पर लेटा हूँ। यहाँ मेड़ पर दरार पड़ गई है। गुरुजी लपक कर वहाँ पहुँचे। मसाले हाथ में लिए हुए शिष्य भी साथ थे। गुरुजी ने आरुणी को देखा तो अचंभे में रह गए। इतना छोटा सा लड़का और इतना साहस। गुरुजी ने उसे उठाया, सीने से लगा लिया। उनकी आँखों में आंसू बहने लगे। वे उसकी पीठ पर हाथ फेरते जाते थे और आशीर्वाद देते जाते थे। तो ऐसा था गुरु भक्त आरुणी। बड़ा होकर यही आरुणी गुरुजी के आशीर्वाद से वेद और शास्त्रों का बहुत बड़ा विद्वान बना, जिसका नाम था उद्दालक ऋषि। तो ऐसी होती थी गुरुजी की भक्ति और शक्ति।
इस कहानी के लेखक है पुरुषोत्तम दासगुप्त। कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।